हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं, जो इसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, तो ठीक से देखिएगा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कैसे कौन सा अंग जो है काम करता है और किस प्रकार जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है तैयार होता है, और कैसे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा, ठीक है, कैसे जो है स्पर्म जो है बाहर निकलता है, यहाँ तक कि सब कुछ सेक्स कैसे किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, इसको देखने के पहले मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सा अंग होता है, तो देख लीजिए, मुख्य जो जनन अंग होता है पुरुषों में यानी कि मेल में, ठीक है, वह क्या होता है, तो आपको तीन ही होता है। एक वृषण, ठीक है, जिसमें से उत्पन्न होता है आपको स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है। एक होता है आपको सबसे फर्स्ट में क्या होता है, वृषण, जिसमें से उत्पन्न होता है स्पर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। उसके बाद होता है आपको दो नंबर में वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस, वेस डिफरेंस क्या होता है, यह शुक्रवाही का एक नली के समान होता है, जिससे होकर शुक्राणु जो है आपको प्रवाहित होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्पर्म जो है वेस डिफरेंस नामक एक नली से, एक नस से क्या होता है, प्रवाहित होता है। और लास्ट में यह वेस डिफरेंस जो है आपको जाते हुए कहाँ, सीसन में चला जाता है, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं, इसी यही पेनिस जो है पुरुषों में सेक्स करते समय काम आता है, अर्थात क्या बोलते हैं कि यही जो है आपको मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो मादा के योनि तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि यह जो है आपको फिगर में दिख रहा है कि यह सीसन है, ठीक है, यहाँ आपको मूत्र मार्ग है, जो मूत्र मार्ग होता है और शुक्रवाहिका का दोनों नली जो है एक साथ आकर जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ से देख सकते हैं यह दो निकला हुआ है, जो मूत्र नली होता है, इसके ऊपर आपको क्या पाया जाता है, तो इसके ऊपर आपको किडनी पाया जाता है। आप जानते हैं किडनी कितने होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के किडनी जो है दो होते हैं, और किडनी का आकार जो होता है सेम के बीच के जैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, जिसमें जो आपको मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग के नाम से जाना जाता है किडनी, ठीक है, उत्सर्जी अंग है। तो वह आपको ब्लड को छानता है और उससे जो अवशिष्ट बचता है, जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं, वह आकर यहाँ गॉल ब्लैडर, जिसको जहाँ मूत्र जो है समय समय पर जमा होता है, और फिर इस सीसन के रास्ते जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, शुक्रवाहिका और मूत्र नली जो है दोनों जो है एक साथ आकर सीसन के रास्ते से बाहर निकलता है, एक सीसन में छिद्र होता है जिससे कि वह दोनों जो है बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर आपको सीसन का मैंने काम जो है बता दिया है, समझ गए होंगे सीसन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में मुख्य कार्य जो होता है सीसन का, आपको मूत्र त्याग करना होता है, जिससे आप पेशाब करते हैं। और दो नंबर का कार्य जो होता है क्या होता है, कि वह मादा के योनि तक पहुंचता है और गर्भाशय तक स्पर्म को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है। मूत्र नली क्या होता है, तो वैसी नली जिसमें मूत्र जो है जाकर मूत्र जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें जमा होता है, उसे हम लोग मूत्र नली कहते हैं। इसमें से आपको शुक्राशय यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ शुक्राशय होता है जो आपको इस मूत्र मार्ग में मिलता है, और यहाँ पर शुक्राशय वाहिका है जो नली जो है यहाँ से आकर आपको जुड़ा हुआ रहता है वृषण में। आप देखे होंगे प्रत्येक जो वाय होता है और उसे या पुरुष होता है, उसमें आपको दो वृषण जो है आपको सामने से ही बाहर से ही दिख जाएंगे, कि दो वृषण जो है आपको एक इधर गोल और एक इस साइड में गोल जो है दोनों जांघों के बीच में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसी को जो गोल 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 लटका हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं,
वृषण बोलते हैं, और यही वृषण है जिसमें आपको स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। पुरुष में क्या है कि दोनों वृषण में स्पर्म बनते हैं, तो पुरुष में क्या है कि दोनों वृषण में स्पर्म जो है एक साथ बनते हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्त्रियों के जो अंडाशय होते हैं दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। अगर एक काम करेगा जनवरी में तो अगला काम करेगा फरवरी में, अगर अगला फरवरी में काम करता है तो फिर पहले वाला जो है आपको मार्च में काम करेगा, ठीक है, एक साथ काम नहीं करता है। तो यही देखिए, यह वृषण होता है। वृषण का तापमान जो होता है आपको 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। वृषण का तापमान कितना रहना चाहिए? तो 30 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अब 30 डिग्री सेल्सियस रहने के चलते जो है इसको प्रकृति ने यानी गॉड ने इसको पुरुषों में बाहर बनाया जाता है, पुरुषों में बाहर बना दिया है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन हो सके। क्योंकि स्पर्म का टेम्परेचर जो होता है, स्पर्म जो है 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म के जितने शुक्राणु होते हैं वे सभी डाइड कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति ने पुरुषों में क्या होता है कि वृषण को बाहर बनाया हुआ है, और उसका टेम्परेचर जो है बाहर एक थैली के जैसा होता है, जिसको हम लोग अधिवृषण के नाम से जानते हैं। इस थैली में जो है कांपर ग्रंथि में यह लटका हुआ रहता है, ठीक है, लटका हुआ रहता है। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर वृषण में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म बनने के बाद यहाँ से होते हुए शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो नली होता है, इस नली से होते हुए यहाँ तक आता है, जहाँ से शुक्राशय जो है एक बहुत ही खराब गंध वाला द्रव होता है, इस द्रव जो है इसी नली में मिल जाता है, शुक्रवाहिका में मिल जाता है, यानी कि स्पर्म के साथ मिल जाता है, जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अब यहाँ से आगे जब बढ़ता है तो इस पर काउपर ग्रंथि जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन्स करता है, और यहाँ से होते हुए आपको शीशन के रास्ते, यानी कि शीशन में जो छिद्र होता है उसके रास्ते जो है बाहर निकल जाता है। उसी तरह से मूत्र मार्ग से होते हुए, मूत्र नली से होते हुए मूत्र जो है फिर आता है, और उसी नली में जुड़ कर फिर वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्पर्म जो होता है, स्पर्म एक बार में, ठीक है, पुरुषों में कितना होता है, तो पुरुषों में एक बार में स्पर्म जो है आपको क्षमता होता है 7 ml, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 7 ml कोई ज्यादा नहीं हुआ। लगभग जो बच्चे आपके घर में दवा पीते होंगे उसका नेपुल में आधा से ज्यादा हुआ, उसका जो दवा पीने वाला ढक्कन जो ऊपरी वाला आता है उसमें आधा ढक्कन से ज्यादा 7 ml होना चाहिए। 7 ml में लगभग 1 लाख से ज्यादा स्पर्म जो है उत्पन्न होते हैं, एक बार बनते हैं, 1 लाख से ज्यादा स्पर्म उत्पन्न होते हैं, यानी कि बनते हैं। और मात्र जब निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया होती है बच्चे उत्पन्न करने के लिए, मात्र एक ही आपको स्पर्म जो है काफी है, एक ही शुक्राणु काफी है। शुक्राणु का आकार कैसा होता है तो उसको देख लीजिए। शुक्राणु जो होता है इस आकार में होता है, और उसका एक हेड होता है, और बाकी जो पिछला भाग होता है उसको पूंछ कहते हैं, ठीक है। पिछला भाग जो है क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। इसमें क्या होता है? माइटोकांड्रिया होता है, जिसके चलते इसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है, और यह आगे की ओर गति करने में हेल्प करता है। एनर्जी रहता है इसके पास तो यह आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या बता, आपको बता दे कि अंडाणु में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसके चलते वह आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें हैं, इसलिए इसको लिए अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं, किस तरह से वह कार्य करता है, अंडाशय कहाँ बनता है, अंडाशय कहाँ पाया जाता है, अंडाणु कहाँ बनते हैं, कौन सा जनवरी में काम करेगा, कौन फरवरी में काम करेगा, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपको वृषण होता है, दो वृषण होते हैं जो बाहर लटके हुए रहते हैं, और इससे जुड़ा हुआ होता है दो ठो नस, जिसको हम लोग शुक्रवाहिका या वेस्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वेस्ट डिफरेंस या शुक्रवाहिका, शुक्र नलिका, जिससे होकर यह स्पर्म जो है आता है, और इससे होते हुए यह
चला जाता है कहाँ? यह चला जाता है आपको सीसन में। यह कहाँ चला जाता है? सीसन में चला जाता है, और सीसन के रास्ते से यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ससुरा क्या करता है, इसी नसवा को काट देता है। क्या करता है? इसी नसवा को काट देता है। यानी कि यह जब नस कट जाएगा तो ऐसा बात नहीं है कि आपको यहाँ पर स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म बनेगा, वह उस टाइम भी स्पर्म बनता है पुरुषों में, लेकिन क्या होता है, यह आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पर डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर जब इसको काट देता है, ठीक है, और इसको एक धागे से बांध दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग पुरुषों में नसबंदी के नाम से जानते हैं, पुरुषों में नसबंदी। अब यह व्यक्ति जो है कितना भी किसी के साथ सेक्स करेगा, ठीक है, या किसी के साथ संभोग करेगा, उस औरत को या उस स्त्री को बच्चा नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ से पता है आपको कि नस काट दिया है डॉक्टर, और यहाँ से स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म यहाँ उस नली में यानी कि सीसन के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाएगा, अर्थात सीसन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसके चलते उस व्यक्ति को बच्चा भी अब नहीं हो सकता है। कब? जब आपको नसबंदी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर जो है वेस्ट डिफरेंस नामक कर देगा। तो याद रखिएगा कि पुरुषों में जब वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिएगा, चूंकि बॉडी का टेम्परेचर हम लोग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और मैंने जस्ट बताया है पीछे कि आपको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही स्पर्म जो है जीवित रह सकता है, तो इसलिए इसको बाहर नहीं रख दिया है प्रकृति ने, और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, 30 से कम होता है, और मात्र कितना, 2 से 4 मिनट तक ही जीवित रह सकता है स्पर्म। और जैसे ही यह मादा के योनि से होते हुए गर्भाशय में पहुंचता है, वह गति करके आगे बढ़ने लगता है, और मादा के फैलोपियन ट्यूब में अगर जाकर अंडाणु मिल जाता है तो उससे निषेचित कर लेता है, नहीं मिलता है तो वो भी 2-4 मिनट में खराब हो जाता है, यानी कि डेथ कर जाता है, और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि क्या होता है। ठीक है, ये सभी जो औरतों का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उस वह क्या होता है, उसमें कौन कौन से मेन जो है रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, और किस तरफ से काम करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।